सब लोगों को नमस्कार। आज दिल्ली में अभी तक टोटल 384 कोरोना के पेशेंट्स हुए हैं, 384। कल तक ये 293 थे, तो पिछले 24 घंटे में 91 और पेशेंट्स कोरोना के बढ़ गए हैं। एकदम से देखने में तो ये काफ़ी चिंताजनक लगता है। मैं इसका आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेकअप बताता हूँ। 384 में से आउट ऑफ 384 58 पेशेंट्स फॉरेन ट्रेवल वाले हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले महीने 2 महीने में फॉरेन कंट्रीज से ट्रैवल करके आए थे, वहीं से कोरोना लेके आए थे। और इनमें से कई लोग दिल्ली के भी नहीं हैं, लेकिन दिल्ली में इनको क्वारंटाइन किया गया था। इनके पास इनके सिम्टम्स थे, इनको अस्पतालों में रखा गया था, तो ये इनको ये बीमारी दिल्ली में नहीं लगी। 58 पेशेंट्स फॉरेन ट्रैवल के हैं। 259 259 पेशेंट्स मरकज़ वाले हैं। और जिनको कॉन्टैक्ट से फैला है, जो फॉरेन से ट्रैवल करके आए और उन्होंने अपने परिवार को आगे कोरोना फैला दिया, ऐसे 38 केसेस हैं। 58 केसेस फॉरेन से ट्रैवल करके आए और उन्होंने अपने आगे 38 फैमिली मेम्बर्स को कोरोना फैला दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर कोरोना एक दूसरे के टच करने से जो फैला वो 38 है। ये फिगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, ये काफ़ी कांस्टेंट है पिछले कई दिनों से। यहीं पे मुझे थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आती है कि दिल्ली में कोरोना अभी फैलना चालू नहीं हुआ है। जो भी आया वो बाहर से आया। दिल्ली में जो लोग कोरोना लेके आए उन्होंने आगे हम सब लोगों ने मिलके जो कोरोना को रोकने की कोशिश की, हम सब लोगों के प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयास से, दिल्ली सरकार के प्रयास से, दिल्ली की जनता के प्रयासों से, जो भी लोग बाहर से कोरोना को लेके आए उसको दिल्ली के अंदर आगे फैलने से हम सब लोगों ने मिलकर रोका। और आज फैलने की वजह से केवल 38 केसेस हैं। तो दिल्ली में कोरोना अभी फैलने नहीं लगा है और ये सब आप लोगों के हम सब लोगों के प्रयासों का सिलसिला है। दिल्ली में अभी कोरोना की वजह से टोटल 5 डेथ हो चुकी हैं। कल तक 4 थी, पिछले 24 घंटे में 1 डेथ और हुई है, और वो भी जो मरकज़ से जिन मरीजों को निकाला गया था उन लोगों में से एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। हमारे जितने भी पेशेंट सभी हॉस्पिटल्स में हैं कोरोना के, उनमें से 2 पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे रखा गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी उनकी स्थिति नाजुक है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी जल्दी निकल आएंगे। बाकी पेशेंट्स स्टेबल नज़र आ रहे हैं। इस सारी परिस्थिति को देखते हुए, जैसा मैंने कल कहा था कि 2 चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक है कि कोरोना कितनी तेज़ी से फैल रहा है और दूसरा है कि कितनी मौत हो रही है। ये दोनों स्थिति अभी दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में कंट्रोल में है, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ है, इसको बहुत बखूबी से लागू करते रहना है, नहीं तो ये कि कब फैल जाए पता भी नहीं चलता है। दूसरे देशों से सीख के हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना है पूरी तरह से। मैं लगातार डॉक्टर्स के टच में हूँ, इसके बाद भी 6 बजे भी मैं अभी कई सारे डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। सारी तैयारी है हम लोगों की, भगवान ना करे कोरोना फैले, लेकिन अगर कोरोना फैला तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। जैसा आप सब लोग जानते हो कि दिल्ली में हम लोग लॉकडाउन की वजह से जो गरीबों को परेशानियां हो रही हैं उनको दूर करने के लिए कई सारे हम सब लोगों ने कदम उठाए हैं। एक तो 71 लाख लोगों को जिनके पास राशन कार्ड हैं, एक एक व्यक्ति को हम 7.5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं। वो राशन की सारी दुकानों से राशन मिलना चालू हो गया है। लगभग 60% लोगों को राशन मिल भी चुका है, थोड़े
थोड़े लोग बचे हैं, अब 4-5 दिन के अंदर ही 60% और 71 लाख लोगों में से 71 लाख लोगों में से 60% लोगों को राशन मिल चुका है। दूसरा, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो लोग गरीब हैं, उनको भी हमने राशन देने की योजना बनाई है और अगले कुछ दिनों में उनको राशन देना हम चालू कर देंगे। हमने 8 लाख सीनियर सिटीजन्स को, बुज़ुर्गों को, विडोज़ को, जो विधवाएं हैं और हैंडीकैप्ड लोगों को, 5-5 हज़ार रुपये उनके पेंशन जा चुके हैं, 5-5 हज़ार रुपये पेंशन और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उनके अकाउंट में चले जाएंगे। काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम 5-5 हज़ार रुपये वो दे रहे हैं उनके अकाउंट में, ताकि उनको मदद मिल सके। और जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ग्रामीण सेवा ड्राइवर्स हैं, आरटीवी ड्राइवर्स हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं ताकि उनको मदद मिल सके। इसके अलावा गरीब लोगों को खाने की दिक्कत ना हो, दिल्ली में कोई भूखा ना रहे, उसके लिए 1780 सेंटर्स पूरे दिल्ली में खोले गए हैं। 1780 केंद्रों के ऊपर खाना सुबह शाम लंच एंड डिनर दिया जा रहा है। कल 1780 सेंटर्स में 6,52,850, लगभग 6.5 लाख लोगों ने कल लंच किया और लगभग 6,30,000 लोगों ने कल डिनर किया। जैसा मैंने बताया था कि 10 लाख लोग भी अगर आ जाएं, 10 लाख लोगों के खाने का इंतज़ाम है हमारे पास, लेकिन अब खाने का इंतज़ाम ज़्यादा है, लोग कम आ रहे हैं। 6.5 लाख लोगों ने लंच किया, 6,30,000 लोगों ने डिनर किया और 328 जगहों पे हमने लोगों को रहने का इंतज़ाम किया है। जिन लोगों के पास घर नहीं है, छत नहीं है, जो लोग माइग्रेट होकर जाना चाह रहे थे दिल्ली के बाहर, उन लोगों को हमने सांत्वना दी कि चिंता मत करो, आपके लिए रहने का इंतज़ाम है। तो 328 केंद्रों के ऊपर 57,270 लोगों के रहने का इंतज़ाम किया है। अभी वहाँ केवल 11,443 लोग हैं, केवल 11,500 लोग रह रहे हैं, तो अभी बहुत सारे लोगों के रहने का हमारे पास इंतज़ाम है। एक व्हाट्सएप नंबर आज मैं आपको दे रहा हूँ, ये दिल्ली सरकार का व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोरोना से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इस पे, अभी मैं जब व्हाट्सएप नंबर दूंगा इसे सेव कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। अगर आप इस पे हाय या हेलो या कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आपको जवाब में एक मेन्यू आ जाएगा और उस मेन्यू के हिसाब से फिर आगे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कोरोना से संबंधित जितनी भी किस्म की, कहाँ कहाँ खाना मिल रहा है, कोरोना के क्या सिम्टम्स हैं, कोरोना के बारे में दिल्ली सरकार की क्या क्या व्यवस्था, सारी जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मिल सकती है। ये व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, 8800007722। इस पे इसको आप सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में और इसको आप इसके ऊपर हाय या हेलो लिख के भेजिए और उसके बाद आपको आगे ये बताता जाएगा कि क्या करना है। और आखिरी बात, हमारे दिल्ली के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, नगर निगम के स्कूलों में, सारे स्कूलों में मिला के लगभग 44 लाख बच्चे पढ़ते हैं। ये सभी बच्चे अभी घरों में बैठे हुए हैं, अपने अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, माँ बाप को समझ नहीं आ रहा बच्चों से कैसे डील करें। तो कल 3 बजे मैं, मनीष जी और हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स बैठे होंगे जो बच्चों के और पेरेंट्स के प्रश्नों के भी जवाब देंगे। बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कोरोना क्या है, कैसे फैलता है, बहुत सारे कोरोना को लेके क्वेश्चंस हैं। सो पेरेंटिंग इन द टाइम्स ऑफ कोरोना, इसके ऊपर मैं, मनीष जी और कुछ एक्सपर्ट्स बच्चों के और पेरेंट्स के कई सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। सो कल 3 बजे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।